तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि सामने आप देख सकते हैं अपनी होंडा एसपी 125 PS6 बाइक। तो इसमें जो कुछ दिनों पहले मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था वो आपके साथ भी हो सकता है, और उसका क्या सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि आपके लिए आगे जाकर कभी ना कभी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे आप जो है आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्यों होता है, कैसा होता है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यार सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम जो है ये हमारा इंजन किल स्विच जो है कई बार वर्क करना बंद कर देता है। जब भी हम इसको प्रेस करते हैं अपनी बाइक को चालू करने के लिए, ये जो है आपको भी पता होगा कि दोनों ही काम करता है, इससे हम बाइक को चालू और बंद दोनों ही कर सकते हैं। तो ये कई बार जो है डायरेक्टली काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल भी जो है रिस्पॉन्स नहीं करता जब भी हम इसको प्रेस करते हैं। तो ये कई बार जो है मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हो रहा था कि जब भी मैं अपनी बाइक को चालू करने की कोशिश कर रहा था और बाइक अगर गियर में है तो ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और इससे मुझे बाइक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता था अपनी बाइक को न्यूट्रल, तभी जो है ये वर्क करता था, वरना ये जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता था। तो कुछ इस तरह से मिलता जुलता जो है प्रॉब्लम आपके साथ भी अभी हो रहा होगा, या फिर जो है आगे चलकर कभी ना कभी हो सकता है, बाई चांस हो भी सकता है, और नहीं होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बेटर है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, कौन सा पार्ट है इसका जो है ख़राब हो जाता है। तो मैं जब जो है इसको ठीक करने के लिए शोरूम में लेके गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर जो है क्लच स्विच करके कुछ होता है, तो वो जो है ख़राब हो चुका है, जो कि 30 या 40 रुपए का उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, और उसके बाद जो है ये ठीक हो जाता है। तो जैसे ही मैंने ये चेंज किया, शायद ये प्रॉब्लम जो है बारिश की वजह से हो रही होगी ऐसा मुझे लगता है, बाकी कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने जो है क्लच स्विच को चेंज किया तो उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला। तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारा इंजन किल का स्विच जो है, यानी कि इंजन किल स्विच का जो बटन होता है वो जो है काम करना बंद कर देता है, और उसको जो है स्टार्ट अगर उस टाइम हम करना चाहें, अपनी बाइक को चालू करना चाहें, तो हमें करना पड़ता है अपनी बाइक को न्यूट्रल, वरना हमारी जो है बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। और उसको जो है परमानेंटली ठीक करने के लिए यहाँ पर जो है क्लच स्विच करके कुछ होता है, तो वो ख़राब हो जाता है किसी वजह से। तो यार उसको अगर हम चेंज कर लेते हैं 30-40 रुपया खर्चा करके, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो कि मैंने भी खुद ऐसा किया, मेरे साथ भी ये जो है प्रॉब्लम हो रहा था, और कई बार जो है ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरी बाइक की जो है बैटरी ख़राब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि जो है बाइक को लिए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, आप भी जो है बाइक को देख ही सकते हैं। तो ऐसा जब सीन होता है हमारे साथ तो जो है दिल से काफ़ी बुरा लगता है, आप समझ ही सकते हैं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गलती से हमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो कि मुझे भी हुई थी, मुझे भी जो है पर्सनली ऐसा लगने लगा था कि मेरी बाइक में बैटरी का कुछ इशू आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा सीन मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जब मैंने शोरूम में मैं अपनी बाइक को लेकर गया और क्लियरली पता किया, उनसे जो है चेक करवाया, तब मुझे ये पता चला कि एक छोटी सी चीज़ की वजह से, यानी कि जो क्लच स्विच होता है जिसके लिए हमें 30-40 रुपए खर्चा करना पड़ता है, उसकी वजह से ऐसा सीन, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, और वो अगर हम चेंज कर देते हैं तो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ईजिली ठीक हो जाता है। तो यार मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था, उसका सॉल्यूशन क्या था, उसके लिए कितना हमें खर्चा करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है चेक करके एक बार उसको जो है बिल्कुल ईजिली कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।